यार इस व्यू का ना हकदार वही होता है जो बार बार थकने के बाद भी अपने जुनून को नहीं भूलता। वैसे ही ना जिंदगी में सपने तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन उनको पाने का हकदार वही होता है जो बार बार गिरने के बाद भी अपने उस सपने को नहीं भूलता। अभी हम लोग यहाँ पर वासुली सिरा करके एक जगह है, यहाँ पर आए हुए। तो यहाँ पे अमेजिंग लैंडस्केप है, बीच में पूरी वैली है और चारों ओर पहाड़ और एक बीच में छोटी सी नदी। सो गाइस ये लिखा हुआ है स्वर्गपुरी पांडुखुली। तो ये रहा पहला गेट और हम चलते हैं इसके अंदर घंटी बजाते हुए। डराओ मत यार, तुम आगे को चलो और बपका देते रहे साइड साइड। तो आप किसी भी ट्रैक में जा रहे हो, इस ट्रैक में या फिर किसी और ट्रैक में, तो पॉलिथीन को जितना हो सके अवॉइड करें। अलग आवाज़ आ रही, देखना इसकी आवाज़ आएगी। यहाँ पर क्या पांडव की क्या स्टोरी थी जरा बताना। पांडव जो लास्ट टाइम यहाँ पे स्टे किया था उन्होंने नाइट में, भैया चाय बन रही है। चाय बन रही है, हाँ यार आ तो रही है। करियो एक गेट तो मैंने आपको दिखाया था, उससे तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर दूसरा गेट आ चुका है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और हम पहुँच गए हैं बुग्याल में, स्वर्गपुरी पांडुखोली। जय भोलेनाथ। ये देखो भैया अमेजिंग बुग्याल यहाँ से देखने को मिल रहा है, मस्त एकदम। वो सामने रहा मंदिर और वहीं बाबा जी की कुटिया भी है। बहुत ही खतरनाक क्लाउड्स लगे हुए हैं, कुछ दिख नहीं रहा, पूरा वाइट हिमालयस वगैरह दिख नहीं रहे हैं। बट देखते हैं थोड़ी देर में, अगर आई होप एक दो घंटे या एक आधे एक घंटे में कुछ क्लियर होता है तो कुछ देखने को मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं भाई, किस्मत की बात है। सो गाइस थोड़ी देर सुस्ताने के बाद रेस्ट करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर के अंदर। अंदर टेम्पल है तो चलते हैं अंदर देख के आते हैं। अरे वाह क्या शानदार मंदिर, मज़ा आ गया। सो गाइस ये हम मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हमने शूज़ वगैरह उतार लिए हैं। तो ये जो टेंपल है ये बेसिकली पांडवास का टेंपल है ना। हाँ, भाई पांच पांडव का अलग अलग मंदिर बनाए हुए हैं। और साथ ही साथ में एक और चीज़ यहाँ पे मैंने अभी बोर्ड में पढ़ी, ये जो यहाँ पे दुकान है द्वाराहाट ब्लॉक की अंतिम दुकान, जैसे माना गाँव में लिखते हैं ना अंतिम विलेज ऑफ इंडिया, ऐसे यहाँ द्वाराहाट का बनाया हुआ है। दैट इज़ वेरी कूल एक्चुअली। तो गाइज जैसा कि अभी देख रहे हो ये जहाँ पे पांच मूर्तियाँ रखी हुई है, इन्हीं को यहाँ पे पांच पांडव बोलते हैं। ये शायद सबसे बड़े वाले भीम होंगे ना। सो गाइज थोड़ा सा अगर आप आगे चले जाएंगे तो यहाँ पे एक शिव जी का भी काफ़ी अच्छा मंदिर है। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं महादेव के दर्शन। अच्छा ये बढ़िया हवन के लिए बढ़िया बनाया हुआ है, ऊपर से छप्पर भी डाला हुआ है। यहाँ एक कोई बाइक लाए थे पहले। अरे भाई सही, यहाँ कैसे चढ़ गई यार भाई? तो यही तो है लॉजिक है भाई, देख लो जिस ट्रैक से हम आए थे ना वहाँ से यहाँ बाइक आई हुई है, देख लो भाई। और ये बाइक तब से यही है। तब से यही। ये भी एक सोचने विषय है कि साला यहाँ बाइक कैसे आ गया, आदमी आना मुश्किल हो रहा है यहाँ है ट्रैक करके बाइक पहुँचा दी यार, मानना पड़ेगा बाबा जी को। सो गाइस ये जो बाबा जी हैं यहाँ पे जो पहले आए थे, जिन्होंने ये डिस्कवर किया था जगह, उनकी समाधि है। और आज हैं नारायण गिरी जी नाम है उनका। और आज उनकी पुण्यतिथि भी है, जैसे कि आप देखोगे 19 सितंबर और आज की तारीख भी 19 सितंबर है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। जय हो बाबा जी। तो ये है गाइस और ये सामने है व्यू पॉइंट, अभी चलेंगे व्यू पॉइंट से ऊपर देखने के लिए। हालांकि बादल लगे हुए हैं, ये टीआरसी के कॉटेज बने हुए हैं। अच्छा अरे वाह चलो देखते हैं। सो गाइस जो ये नीचे आप कॉटेजेस देख रहे हो टीआरसी के हैं, तो वैसे तो अभी ये रनिंग नहीं है, अगर कभी इन फ्यूचर रनिंग होते हैं तो आप इनको बुकिंग करा सकते हो अगर आपको यहाँ रहना है तो कुछ लंबे समय तक। इसकी तो ऑनलाइन ही बुकिंग होती होगी वैसे टीआरसी वालों की ना। क्या लिखा है, विनम्र निवेदन है कृपया एक बार में पांच लोग ही टावर पर चढ़े, पांच लोगों का है, पांच पांडव है तो पांच ही लोग चढ़े कह रहे हैं। तो भाई साहब नहीं भीम की तरफ तो तुम एक ही हुए। सो गाइस ये है पहले माले से व्यू, अभी हम एक ही माले में हैं और देखिए व्यू कितना शानदार दिख रहा है यहाँ से। चलिए चलते हैं दूसरे माले की ओर, ये देखिए। और ये जो बनाया हुआ है ना पूरा पुरानी स्टाइल में बनाया हुआ लकड़ी की, पहाड़ों में इस तरह से लकड़ियों की सीढ़ियाँ हुआ करती थी छत में जाने के लिए। ये आ गए हम टॉप पे, ओ भाई साहब लकड़ी का है पूरा का पूरा। और ये दर्शन भाई ने सेल्फी ले लिया फेसबुक में डालने के लिए।
वाह अमेजिंग, बहुत शानदार व्यू दिख रहा है। अगर अभी क्लाउड्स नहीं होते ना तो मज़े ही आ जाता, मतलब बहुत ही बढ़िया दिखता। और ये पूरा बुग्याल दिख रहा है सामने, बहुत शानदार है। इधर साइड से आपको जंगल दिखेगा हल्का हल्का, इधर साइड को उतना अच्छा खास है, इधर बैक साइड में उतना अच्छा व्यू नहीं है, बट अगर आप यहाँ से देखेंगे तो बहुत एक अमेजिंग व्यू देखने को मिलने वाला है। गद्दी, भीम की गद्दी, यहाँ पर टेंट लगाना एवं आग जलाना सख्त मना है। सो गाइस, इस तरह से हमने मंदिर के भी सारे दर्शन कर लिए हैं और साथ साथ में व्यू पॉइंट के भी दर्शन कर लिए हैं। अब ये हमारे दर्शन भाई बताएंगे यहाँ पर क्या पांडव की क्या स्टोरी थी, जरा बताना। पांडव जो लास्ट टाइम यहाँ पे स्टे किया था उन्होंने नाइट में, उसके बाद वो सीधे यहीं से स्वर्ग चले गए थे। अच्छा, उस टाइम के दौरान। हाँ, इसीलिए यहाँ पांडव का मंदिर बनाया गया। अच्छा, इसीलिए इस जगह का नाम भी पांडुखुली रखा हुआ है। बहुत बढ़िया। तो गुफा वफा नहीं है, मतलब गुफा वो नीचे वाली है जो बताया था, जहाँ से पांडव लोग आए थे। अच्छा, वहाँ से आए थे, वहाँ से यहाँ आए थे। अच्छा, मतलब वो गुफा पूरी अंदर अंदर पूरे पहाड़ के अंदर अंदर है क्या? अंदर अंदर है, उसके बाद सीधे ऊपर इधर कहीं जंगल में निकलती है। अच्छा, आप वहाँ जा नहीं सकते। ठीक ही हुआ। तो मतलब ये तो अभी जो ट्रैक बना है ये बाद में बना हुआ है, बट ओरिजिनली जो पांडव आए थे उस गुफा से आए थे, जहाँ हम स्टार्टिंग में आपको बता रहा था दो रस्ते करते हैं। और ये यहाँ से वो कुछ दिन यहाँ स्टे करा उन्होंने और फिर यहीं से वो स्वर्ग की ओर चले गए थे। तो और एक और चीज यहाँ पर है, यहाँ पे भीम का गद्दा भी है। हाँ, ये आउटसाइड में जो बाहर में है। हाँ, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे अभी, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम सोच रहे हैं थोड़ा लंच कर लें, बिकॉज सुबह से खाया नहीं है। तो अभी आगे जाके कहीं पर एक बढ़िया सा स्पॉट देखते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा खाने की व्यवस्था देखते हैं, उसके खाना वाना खाते हैं। सो गाइस, एक अच्छी चीज़ यहाँ पर ये है कि आपको अच्छे अच्छे यहाँ पे कोट्स मिल जाएंगे, तो काफ़ी मीनिंगफुल कोट्स हैं। और उससे भी अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि यहाँ पे जो ये कोट लिखा हुआ है ना, ये देखिए ध्यान से, कृपया पॉलीथीन का प्रयोग ना करें। तो आप किसी भी ट्रैक में जा रहे हो, इस ट्रैक में या फिर किसी और ट्रैक में, तो पॉलीथीन को जितना हो सके अवॉइड करें। अगर किसी पॉलीथीन में कोई सामान भी लेकर आ रहे हैं तो पॉलीथीन को यहाँ फेंके मत। कोई भी रैपर वगैरह जो होते हैं ना, लोग कुरकुरे और ये सब नमकीन वमकीन के पैकेट लेके आते हैं रस्ते में खाने के लिए, चिप्स वगैरह के, और वहीं रस्ते में फेंक देते हैं चॉकलेट्स वगैरह, तो वो कभी ना करें ऐसा। अगर लाना है तो लाओ यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको बैग में रख के ले जाओ और लास्ट में वहाँ नीचे जाके डंप कर दो कहीं पर डस्टबिन में, है ना, क्या बुरा है। मतलब बिकॉज अगर तुम्हें पता है प्लास्टिक कितनी ख़राब होती है, उससे नेचर को कितना नुकसान होता है। अगर ऐसे ही हम करते रहेंगे तो आगे जाके हमारे जो नेक्स्ट पीढ़ी आएगी, नेक्स्ट जनरेशन होगी, उसको ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। और हो सकता है आगे जाके अगर दोबारा आपको भी आने का मन हो और ऐसी अगर कूड़ा बढ़ता रहा तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, तो आप दोबारा भी यहाँ कभी नहीं आ पाओगे। सो बेटर कि अवॉइड प्लास्टिक यार, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, आप लाते हो तो बैग में रख के ले जाओ। तो फिलहाल अभी हम मंदिर से आ गए वापस, और अभी ये पूरा बुग्याल है यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे धुंध सी आ गई थी तो मैंने जैकेट डाल दी है, और अभी यहाँ पे कहीं पर हम लगाते हैं अपना पिकनिक का स्पॉट देख के बढ़िया सा, और खाना वाना खाते हैं। सो गाइस, ये पूरा बुग्याल है और हमने यहाँ पे डिसाइड किया है यहाँ पे अपना पिकनिक बनाने का, तो यहीं पे लंच करेंगे हम अभी, क्योंकि यहाँ पर तीन पत्थर मिल गए थे हमें, तो बेस्ट है बैठने के लिए। और यहाँ से व्यू पॉइंट भी अच्छा है, व्यू दिख रहा है सामने, हालांकि अभी धुंध है, बट या धीरे धीरे अगर क्लीन हो गई तो ठीक है। पूरन भाई, अगर वीडियो देख रहे हो तो बढ़िया बनाया तुमने, चाहे ठंडा हो गया लेकिन बढ़िया बनाया है। सो गाइस, हमने यहाँ पे लंच वगैरह कर लिया है, और जैसा कि आप देखोगे सारा के सारा जितना भी कूड़ा था हमने सारा वापस इस पन्नी में लेके वापस जा रहे हैं, और ये जगह पूरी की पूरी क्लियर है, बोतल भी उठाने वाले हैं एज यू कैन सी। तो जहाँ भी जाएँ, जब भी यहाँ आएँ, तो पूरा जैसा है वैसा का वैसे ही छोड़ के जाएँ। आगे मयंक भाई बता रहे हैं हर्बल टी मिलती है। हाँ, हर्बल टी है। तो अब हर्बल टी पीने चलेंगे हम। ये वाली है, भैया चाय बन रही है। दादी वीडियो बना लो, कोई दिक्कत तो नहीं थरी? बना लो। ये तो भाई लोग, ये यहाँ पे बढ़िया सा किचन है, आप लोग यहीं रहते हो ना? अरे आप तो हमको नीचे मिले थे। नीचे मिला था। अरे ये तो पहचान हो गई यार। बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे जो भी भक्तगण आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनके लिए यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है, चाय वाय वगैरह ना। हाँ, चाय बन जाती है, हर्बल टी मिलती है। हर्बल टी मिलती है यहीं के, कुछ कह रहे थे ना, यहाँ यहीं के कुछ वो हर्बल टी मिलती है, पत्तियों से बनती है। चाय में दिखा दो, उधर हर्बल टी है। अच्छा, तो ये मतलब ये चाय पत्ती नहीं हुई है, यहीं के कुछ जड़ी बूटियां टाइप से बनती है ना? जड़ी बूटी, जंगल की जड़ी बूटियां होती है। बहुत बढ़िया। तो ये बोलो, यहाँ का अगर स्टे का सीन है तो कैसे रहता है? जैसे अगर मुझे स्टे करना है यहाँ तो हो जाता है? नहीं, आजकल तो बंद चल रहा है। वैसे अगर कब से खुलता, कब है?
ये भी लॉकडाउन से बंद चल रहा है फिर लॉकडाउन की वजह से हाँ लॉकडाउन की वजह से बंद चल रहा है पूरा लॉकडाउन के बाद फिर खुलेगा तो कैसे आना क्या करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन नहीं कॉन्टेक्ट के द्वारा आना पड़ेगा हाँ ये यहाँ के वो देख रहे हैं उस पर्ची में लिखा है नंबर अच्छा टीआरसी जिनके अंडर में हाँ नंबर लिखा है पर्ची में लिखा है उधर अच्छा ऐसे हो जाएगा चलो बढ़िया हो गया और भाई लोग आप लोग कहाँ से आए हो ये भगवाली पोखर हम भगवाली पोखर उत्तराखंड से हैं उत्तराखंड से ही हो यही लोकल के हैं भगवाली पोखर भगवाली पोखर से तो यहाँ तो कई बार आ चुके हो गया हमारा तो ये इसी साल में मेरा दूसरा चक्कर है हमारे बाबा जी कब आएंगे अब यहाँ वो आएंगे दिसंबर में दिसंबर में दिसंबर में तो बर्फ पड़ जाती होगी यहाँ भयंकर तभी आते हैं तपस्या के लिए आते हो उधर ही रहते हैं भटकोट में उधर अच्छा 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 सो गाइस ये देखा आपने बलवंत गिरी महाराज जी का किचन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अभी हम फिलहाल हर्बल टी का वेट कर रहे हैं हर्बल टी पीने के बाद हम जाएंगे तपोवन वहाँ पे भी कई सारी मूर्तियाँ हैं और देखने लायक जगह है तो सो गाइस ये चाय का ना टेस्ट ही अलग है मतलब मैंने आज तक कभी ऐसी चाय नहीं पी सीरियसली बता रहा हूँ बहुत ही अलग ही एक हल्का सा मीठा और हल्का सा स्मूथ सा टेस्ट आ रहा है बहुत ही अमेजिंग है मतलब ऐसा लग रहा है कि ये तो थोड़ी सी लग रहा है कि पूरा जग पी जाऊँ बहुत ही अच्छी लग रही है मज़ा आ गया मतलब जैसे बुरांस का भी फील आ रहा है इसमें बुरांस आई थिंक बुरांस का फूल भी इसमें लगा हुआ है मुझे ऐसा लग रहा है लेकिन काफ़ी अच्छा है आप आओ तो ज़रूर ट्राई करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और ऐसा प्रसाद के रूप में हमें मिलती है तो आप ज़रूर इसे ट्राई करना एक बार सो गाइस हर्बल टी पीने के बाद हम लोग अब तपोवन की ओर जा रहे हैं ये जो यहीं पे एक साइन लगा हुआ है तपोवन का और ये मेन गेट के ये जो मेन गेट है जो मेरे पीछे आप देख रहे हो इसके जस्ट यहाँ पे एक और छोटा सा लकड़ी का गेट बनाया हुआ है यहीं से अंदर जाना है तो चलिए चलते हैं अंदर देखते हैं कैसा है तपोवन अरे भाई थोड़ा रास्ता ख़तरनाक है आराम से आना पड़ेगा भाई भाई साहब भाई साहब मंदिर वगैरह तो सो गाइस अभी सीन ये है कि हम लोग वहाँ से तो नीचे उतरे थे बट यहाँ पे ना अभी घास बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है बिकॉज अभी ये जो बरसात का टाइम होता है घास बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और प्लस यहाँ भी बरसात के टाइम में ना थोड़ा डर रहता है सांप और अलग कीड़े मकोड़ों का दर्शन भाई के नेतृत्व में तुम डराओ मत यार तुम आगे को चलो और बपका देते रहे साइड साइड से सो गाइस ये है देख लो रास्ता इस तरह से वहाँ से जो गेट लगा था वहाँ से अगर आप इधर से भी कहीं से घूम घाम के जुगाड़ करके निकल जाओगे तो वो भी एक तरीका है तो गाइस फाइनली दर्शन भाई ने तपोवन ढूंढ लिया है तो हम वहाँ से नीचे उतरे व्यू पॉइंट देखने के लिए तो सामने वो हमें तपोवन मिल गया जो पेड़ दिख रहा है ना आपको वहाँ पे मूर्तियाँ लगी हुई हैं 5 पांडवों की तो अभी जाते हैं वहाँ पे उससे पहले आपको मैं व्यू दिखा देता हूँ पहले यहाँ से अमेजिंग व्यू है वैली का और अमेजिंग मतलब अभी क्लाउड्स लगे हुए हैं ना तो दिख नहीं रहा है अगर क्लाउड्स नहीं होते ना सच मतलब मज़ा आ जाता सीरियसली सो गाइस ये है 5 पांडवों की मूर्ति और ये रहा वो पेड़ जहाँ पे उन्होंने तपस्या करी थी करते थे मतलब जब यहाँ पे स्टे किया था उन्होंने तो यहीं पे तपस्या वगैरह करते थे और यहीं पे तपोवन में कहते हैं कि गुरुकुल भी हुआ करता था और वो सामने मंदिर है सो गाइस ये भी एक मंदिर है इसमें थोड़ा सा अगर आप आगे निकल जाते हैं तो और यहाँ से भी अमेजिंग व्यू देखने को मिल रहा है बट अभी धुंध की वजह से इतना साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो बेसिकली यही पूरा एरिया जो है यही तपोवन कहलाता है और यहीं पर उन्होंने जब यहाँ पर स्टे किया था पांडवास ने तो यहाँ पर तपस्या करी थी तो गाइस यहाँ पे अच्छा खासा एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद अभी हम वापस ऊपर मंदिर की ओर जा रहे हैं और काफ़ी अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया कम से कम आधा एक घंटा यहाँ बैठे थे काफ़ी शांति मिली और मतलब एक अलग ही मतलब कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था शांत बैठे थे और अलग ही मज़ा आया मतलब अगर आप इधर आओगे ना तो इस साइड ज़रूर आना ये व्यू पॉइंट काफ़ी अच्छा है और फोटोज़ भी अच्छी आएंगी सो गाइस अभी लौटते वक्त हम लोग यहाँ से पीछे से घूम के आए थे बिकॉज़ जब आए थे तो इधर साइड से आए थे बिकॉज़ उधर ना घास बहुत ऊंची हो रही थी और थोड़ा रिस्की जैसा लग रहा था तो हमने वहाँ से आना अवॉइड किया और पीछे से घूम के आए हैं और यहीं पे जो है जो मैं बता रहा था ना यहाँ पे पांडवास के बर्तन हुआ करते थे वो भी यहीं पे हैं ये देखो ये जो आपको दिख रहा है ना बेसिकली एक तरह का डाइनिंग एरिया बोल दो उनका और ऐसा यहाँ पे लोगों का बोलना है कि इन पत्थरों को ही पांडवास के बर्तन माने जाते हैं तो इन पर अगर हिट करो तो अलग ही तरह की आवाज़ आती है दर्शन भाई चेक करो जरा यार कौन सा है बर्तन पत्थर ही तोड़ दिया है तो इस पर आ रही आवाज अलग आवाज आ रही देखना इसकी आवाज अलग है इसकी आवाज अलग मेरे को तो सेम ही लग रही उसमें लगाओ जरा वो बड़ा बड़ा जैसा लग रहा कंटन में मत मार देना क्या है चला कंटन में मार दिया और कह रहे कि भाई बर्तन है अरे ये वाला बर्तन इसका अलग आवाज
आ रही है आवाज अलग? इस पे अलग है, मेरे को तो सेम ही लग रही है यार। क्यों आया ऐसे? ये देखना, इस पे मारो। हाँ हल्की सी अलग है, खोखला ऐसा पत्थर लग रहा है मुझे। ये पत्थर है तो ये एक थाली ये होती हुआ करती होगी फिर उस टाइम पे ऐसा लग रहा है। सो गाइस, आपको अगर पत्थर की आवाज़ आई और अगर बर्तन की आवाज़ आई, कैसी भी आवाज़ आई, जो भी एक्सपीरियंस आपको लगा सुनने में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो कुछ खास ऐसा फ़र्क पड़ा नहीं, बट हमारे दर्शन भाई बोल रहे हैं कि उनको थोड़ा सा अंतर लगा वाले पत्थर में, तो आपको क्या लगा वो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना। सो गाइस, वो बर्तन देखने के बाद अब हम आ गए हैं यहाँ पे भीम के गद्दे में, जो बोलते हैं यहाँ पे भीम का गद्दा है, तो दर्शन भाई दिखाएंगे हमें करके कैसे कैसे आवाज़ आती है। हाँ यार, आ तो रही है यही चीज़ है, करियो। हाँ तो बेसिकली ये जो आवाज़ आ रही है, यहाँ पे बोला जाता है कि ये भीम का गद्दा हुआ करता था, तो इसीलिए इसमें ऐसी आवाज़ आ रही है ताकि अंदर से, क्योंकि सॉफ्ट है, तो यही है बस। बाकी चीज़ें यहाँ पे जो आपने देखा, ये सारी चीज़ें हैं देखने लायक हैं, मतलब ये हमारी कहानियाँ हैं पुरानी, तो लोगों कहते हैं यहाँ पे बाकी आश्रम है, व्यूज आपने देख ही लिए हैं, तो कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी हम फिलहाल यहाँ से नीचे उतर जाते हैं, ट्रैक डाउन कर लेते हैं और मैं आपको डायरेक्टली सीधे नीचे मिलता हूँ। तो हमें जो आने में टाइम लगा था वो तकरीबन एक घंटे के आसपास लगा था, जिसमें हम आराम से रुक रुक के आए थे और चाय भी पी थी रस्ते में, और जाते वक्त जो टाइम लगा था अप्रॉक्स डेढ़ घंटे का लगा था, उसमें भी हम आराम से रुक रुक के गए थे, तो इतना आसान ज़्यादा टफ नहीं है, आसान ट्रैक है, कोई दिक्कत वाली सी बात नहीं है। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं वापस काफल कॉटेज की ओर, और बाकी तो यही है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जो नीचे लाल बटन है, और कुछ भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी कमेंट्स जो भी आपको लगते हैं वीडियो से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।